हो गया तो याद याद अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या करें इसमें, राइट द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, ठीक है, डैट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट, यानी इसके हमारे पास चार को दिया हुआ है क्वेश्चन, समझे, एक दो तीन चार को है, इसमें से कराया कि हमको ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर लिखना है। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है ये जो अंक दिया है ना, उस अंक को चुन चुन कर, है ना, उस अंक को चुन चुन कर उनको बड़ा अंक लिखना, बड़ा बनाना है, समझे, कहीं भी दिया होगा, जैसे कि नहीं देखते विश्वास सिक्का है और उसको अपनी बॉक्स में डाल के थमार देते हैं इस तरह से, और उसके बाद निकालते हैं, मान लो उसको चुन चुन कर नहीं निकालोगे, बोले कि इसमें बड़ा बड़ा पैसा निकालो, 10 का नोट निकालो पहले, उसके बाद फिर जो है उसे छोटा निकालो, फिर उसे छोटा निकालो, फिर उसे छोटा निकालो, सबसे बड़ा नहीं उसमें नंबर आपको बनाना है चार डिजिट का, यानी चार अंक का, समझे, जैसे कुछ नहीं करना, देखो जैसे क्या है, एक बॉक्स है, मान लो क्या है, बॉक्स है, बॉक्स में नंबर मिला हुआ है, क्या समझे, बॉक्स में है नंबर मिला हुआ है, समझे, हाँ समझ रहा है ना, बॉक्स में पूरा नंबर मिला हुआ है, अब करना है कि यहाँ से इतना करना है कि उस बॉक्स में से बड़का बड़का नंबर को चुनना है, तो पहले सबसे बड़ा नंबर को चुनना है, सबसे बड़ा कौन है, कितना है, नौ है, तो नौ लिखोगे, दिख रहा है ना, तो नौ लिख दो, नौ, उसके बाद कौन संख्या है, सात है, गुड, सात, उसके बाद तीन है, उसके बाद दो, बस हो गया, यही आंसर हो गया आपका, है ना, देखो ना चार डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हो गया, वैसे ही तुमको बी सी डी होमवर्क में है ना, इसको इस तरह से बनाना है, ठीक है, और इसमें क्वेश्चन है तुम्हारा, देखो और भी क्वेश्चन इसमें है, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन, देखो क्या करा इसमें, स्मॉलेस्ट करा इसमें, समझे, क्या है तुम्हारे पास, स्मॉलेस्ट नंबर तुमको लेना, आप देखो इसी में ये जहाँ पर राइट द ग्रेटेस्ट ना फोर डिजिट के क्या लिखना है, पर स्मॉलेस्ट नंबर लिखा रहेगा, यहाँ पर देखना स्मॉलेस्ट लिखा रहेगा, समझे, देखो ये ग्रेटेस्ट किताब क्या रहेगा, स्मॉलेस्ट लिख दिया जाता है क्वेश्चन में, ठीक ना, स्मॉलेस्ट नंबर, आप देखो मान लिया यही नंबर है, जैसे सपोज दैट ये तुम्हारे पास है, समझे, ये चार अंक तो होगा नहीं चार अंक का, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो मान लिया यही क्वेश्चन है चार अंक का, लेकिन तुम क्या सोचोगे इसमें, छोटा नंबर, जैसे क्या बोले थे उसे बड़ा नंबर लेते हैं, इसमें क्या करेंगे, छोटा नंबर लेंगे, समझे ना, उसे बड़ा नंबर था, इसमें छोटा नंबर लेना है, यानी क्या तुमको लोएस्ट नंबर चाहिए, ये बक्सा है तुम्हारे पास, है ना, उस बक्सा में सबसे छोटा नंबर चुनोगे, है ना, सबसे छोटा नंबर क्या होगा, सबसे छोटा नंबर जीरो, क्या सही बात है, जीरो करना कोई दिक्कत नहीं, चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं आंसर में जीरो, उसके बाद क्या लोगे, छोटा में क्या लोगे, चार लिए, चलो चार लिए, उसके बाद क्या लेंगे, छः लगे, उसके बाद कितना लेंगे, आठ लेंगे, क्या ये आंसर आपका सही है, सही है, गलत है, बिल्कुल गलत है, समझ रहे, कैसे गलत हो गया, तो जो इसमें क्वेश्चन कितना करा है, चार डिजिट का, नहीं क्वेश्चन लिखा है ना, क्या है, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट का नंबर चाहिए, लेकिन आया कितना का, तीन डिजिट का है ना, कितना डिजिट का है, तीन डिजिट का है, आपको चार डिजिट बनाना है, कितना बनाना है, चार डिजिट का, समझो, चार डिजिट का बनाना है, तो देखो यहाँ पर जैसे तुम क्या लिखे हो, फोर लिख दिए हो, है ना, सिक्स लिख दिए हो, एट लिख दिए हो, समझे, तो देखो ये क्या है तुम्हारा, गलत नहीं हो गया, तीन डिजिट ना है, अगर कोई भी संख्या के आगे में लगा देने से जीरो से क्या होगा, उसमें कोई थोड़ा ना परिवर्तन होगा, नो चेंज होता है, तो उसको चेंज करने यानी उसको सही क्या होगा, तो देखो सही क्या करोगे, तो सबसे पहले जीरो अगर रहे ना, तो जीरो को छोड़ के उसके बाद वाला जो सबसे छोटा अंक है वो लेना, पहले जीरो को छोड़ के उसके बाद सबसे छोटा अंक कौन है, जीरो को हटाने कौन होगा, चार होगा, तो चार ले लो, चार ले लिया, चलो चार हो गया, उसके बाद क्या करना, उसके बाद जीरो लगा देना, क्या लगाओगे, जीरो, है ना, उसके बाद छः लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, आठ लगाएंगे, ये आपका सही बात, चार अंक हुआ कि नहीं हुआ, है ना, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा था, समझे, ऐसे ही क्वेश्चन ये भी है, आप लोग बनाइएगा, ठीक ना, और यूट्यूब पर भी वीडियो जा रहा है ये सब, समझे, तुम लोग होगा तो कमेंट करके बताना इसका क्या आंसर होगा, ठीक है, और यूट्यूब पर भी सब अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियो, तो इसको जो है कम से कम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है, यानी इसमें आपको देखना है लार्जेस्ट नंबर और नहीं, लार्जेस्ट नंबर सबसे बड़ा हो गया और स्मॉलेस्ट का मतलब हुआ सबसे छोटा, ठीक है, ये दोनों को कंप्लीट करना है, ठीक।